मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम टू गैम्बी कॉलेज। तो मेरे लेक्चर है वो लेक्चर है बीसी और पीबी थर्ड ईयर की। सब्जेक्ट का नाम है ई कॉमर्स। आज हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 2। इस चैप्टर में आता है ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल कौन कौन से होते हैं, ई कॉमर्स के अंदर वो कैसे काम करते हैं। ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल जो होते हैं उनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ये कैटेगरी है, पहली कैटेगरी है बिजनेस टू बिजनेस। एक बिजनेस मतलब एक सामान ऑनलाइन सामान जो है वो बिक रहा और खरीदा जा रहा है एक बिजनेस के द्वारा दूसरे बिजनेस को, तो दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट है बिजनेस टू कंज्यूमर। अब एक सामान जो है सेलिंग एंड परचेसिंग हो रही है बाय यूजिंग बिजनेस टू कंज्यूमर, तो दैट इज कॉल्ड बीटूसी। नेक्स्ट आता है सी टू सी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कस्टमर से कस्टमर सामान खरीद रहा है, दैट इज सी टू सी कैटेगरी। दैट नेक्स्ट है कंज्यूमर टू बिजनेस सी टू बी, यानी एक कंज्यूमर बिजनेस को सामान बेच रहा है, बिजनेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस एंड गवर्नमेंट टू सिटीजन। These are all the category of business model. ये सारे business model हैं जो काम करते हैं। पहला है business to business। आप website following the B2B business model, sell the product to an intermediate buyer who then sell the product to the final customer. एक website है, इधर B2B business model इस तरह का होता है कि यहाँ पर एक intermediate buyer होता है who then sell the product to the final customer, और जो फिर जो product है वो final customer को बेचता है। As an example, a wholesaler places an order from a company website and after receiving the sell the and product to the final product. जैसे होलसेलर होते हैं, होलसेलर भी काम करते हैं। होलसेलर क्या करेगा, होलसेलर पहले एक बिजनेस से सामान मंगवाएगा फिर उसको एंड यूजर तक पहुंचाएगा, दैट इज कॉल्ड बी टू बी। ये बी टू बी कहलाता है टू द फाइनल कस्टमर हु कम टू बाय द प्रोडक्ट एट वन विथ रिटेल आउटलेट। जैसे ये जियो मार्ट है, ये सब क्या है, जियो मार्ट भी क्या करते हैं, जियो मार्ट है ये क्या कर रहे हैं, पहले बड़ी बड़ी कंपनियों से अपना सामान खरीद लेते हैं, ग्रोफर है बड़ी बड़ी कंपनियों से सामान खरीद लेते हैं फिर उसको एंड यूजर तक पहुंचाते हैं, दैट इज द बी टू बी। नेक्स्ट है बिजनेस टू कंज्यूमर। आप वेबसाइट फॉलोइंग द बी टू सी बिजनेस मॉडल सेल्स हिज प्रोडक्ट डायरेक्टली टू अ कस्टमर। ये वो है बिजनेस टू कंज्यूमर, सबको पता है वहां पर एक बिजनेस डायरेक्ट का सामान बेच देते हैं अमेजोन है। आप कस्टमर कैन व्यू द प्रोडक्ट शोन ऑन द वेबसाइट, द कस्टमर कैन चूज आ प्रोडक्ट एंड ऑर्डर द सेम। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट आपको मिल जाएगी जो आपके फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, बिजनेस टू कंज्यूमर इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। आप वेबसाइट फॉलोइंग द सी टू सी बिजनेस मॉडल हेल्प कंज्यूमर टू सेल देयर एसेट्स। कंज्यूमर टू कंज्यूमर में क्या कर रहा है, वही कंज्यूमर की मदद कर रहे हैं जहां पर वो अपने एसेट बेच रहा है, लाइक प्रॉपर्टी हो गया। बहुत सारी वेबसाइट चल रही है, hacker.com है, indianhacker.com है, propertyplus.com है। इस तरह की वेबसाइट पे क्या हो रहा है कि वहां पर क्या हो रहा है कि एक प्लॉट दूसरा प्लॉट एक मकान दूसरा मकान एक एक कस्टमर है दूसरा कस्टमर को बेच रहा है, एक प्लॉट बेच रहा है दूसरे को, तो वहां पर अपने अपने असर बेचने सी टू सी बिजनेस, वो सी टू सी बिजनेस कहलाता है। नेक्स्ट है कंज्यूमर टू बिजनेस बिजनेस मॉडल। आ कंज्यूमर अप्रोच अ वेबसाइट शोइंग मल्टीपल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस, द कंज्यूमर प्लेस एन एस्टिमेट ऑफ अमाउंट ही शी वांट टू स्पेंड फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस फॉर एग्जांपल द कंपैरिजन ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ पर्सनल लोन या कार लोन प्रोवाइड बाय वेरियस बैंक बाय वेबसाइट। आ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हु फुलफिल द कंज्यूमर रिक्वायरमेंट विद द स्पेसिफाइड बजट अप्रोच द कस्टमर एंड प्रोवाइड हिज सर्विसेज। तो इस एग्जांपल ये हो गया कंज्यूमर टू बिजनेस। बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल इज ए वेरिएंट ऑफ बी टू बी मॉडल, सच वेबसाइट आर यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू ट्रेड एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद वेरियस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, सच वेबसाइट आर बाय गवर्नमेंट एंड प्रोवाइड अ मीडियम टू बिजनेस टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म टू द गवर्नमेंट। ये तरह का आ गया गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल वेबसाइट टू अप्रोच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस टू वेबसाइट सपोर्ट, ऑप्शन हो गई, टेंडर हो गया, एप्लीकेशन हो गया, तो सारा गवर्नमेंट टू बिजनेस में आता है। गवर्नमेंट टू सिटीजन मॉडल वेबसाइट टू अप्रोच सिटीजन इन जनरल, सच वेबसाइट सपोर्ट ऑप्शन ऑफ व्हीकल मशीनरी और एनी अदर मटेरियल यूज गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो इस तरह से सारे के सारे आपके बिजनेस मॉडल हो गए जिन्हें हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब इसके अंदर आता है बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। इसके अंदर पहला जो सेकेंड यूनिट नंबर जो है इसके अंदर आपका जो टॉपिक है वो है बी टू बी ई कॉमर्स कैरेक्टरिस्टिक। बी टू बी होता क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। For many years, there have been B2C e-commerce and B2B lead generation for website offering online sales. Marketplaces such as Amazon, Google Shopping, Alibaba, E2B, India Market, B2B e-commerce. Business to business e-commerce.
B2B e-commerce is different from B2C e-commerce in many ways, and this influences how it should best be implemented. Successful model for all. Characteristic of B2B e-commerce क्या है? Multiple decision maker. पहली इसकी characteristic है multiple decision maker. In B2B there are often four or more decision maker involved in the purchase process. In fact, this may require multiple user role in the checkout, cart process, with multiple experience. तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जब कोई आप order करते हैं, तो order पहले आपका cart में जाता है, फिर वहाँ से checkout होता है, तो वहाँ पर multiple आपके जो होते हैं decision maker होते हैं. वहाँ पर decision में ले सकते हो, change कर सकते हो, cart से कभी भी आप कभी भी Amazon पे जाओगे तो आपको कोई product खरीदते हो तो select करते हो, फिर आपके cart में जाता है. कार्ड से जितना आप वहां अपॉइंटमेंट बढ़ा भी सकते हो, वहां से डिलीवरी कर सकते हो, नेम भी ऐड कर सकते हो. लॉन्गर डिसीजन साइकिल, बी टू बी बाइंग साइकिल इज मच लॉन्गर देन बी टू सी. सो द लीड टाइम, जो बी टू बी बाइंग साइकिल होती है वो लॉन्गर होती है. सो द लीड टाइम बिटवीन इनिशियल कॉन्टैक्ट एंड रिसीविंग एनी पेमेंट आर लॉन्गर, बट ऑल्सो कस्टमर एक्सपेक्टेशन इज डिफरेंट. वांटिंग टू चेंज एक्चुअल डिटेल ऑफ द ऑर्डर थ्रू द प्रोसेस. नेक्स्ट कस्टमर स्पेसिफिक रिस्पॉन्स. इन बी टू बी the variation in price is discounted even available products are generally more complex than for B2B. This is historical. Whether in B2B e-commerce solution as this is usually a fixed requirement in all but the smallest businesses. Next is conflict with direct sales channel. Many B2B business have an established sales team who will be unhappy with online competition that can be seen to decrease their performance bonus. Careful thought must be given to how is it. नेक्स्ट है फिर इंटरनेशनल मार्केट. बी टू बी ई कॉमर्स इज यूज एज ए वे ऑफ रीचिंग इंटरनेशनल मार्केट. बी टू बी के थ्रू हम काम हो जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, बोल जाते हैं मे बी इन स्मॉल नंबर. तो दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस ग्रुप. ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है.